आजही 24 तास एक पाऊल पुढे। ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारेंनी फारकत घेतल्यानंतर अरविंद केजरीवाल आज नव्या पक्षाची घोषणा करणार आहेत। यावेळी पक्षाची घटना, दृष्टिकोन आणि सदस्यांच्या निवडीबाबत माहिती देण्यात येईल असं अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून सांगण्यात आलंय। शिवाय पक्षाच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी अंतर्गत लोकपालही नियुक्त केला जाणार असून ही जबाबदारी निवृत्त न्यायाधीशांवर सोपवण्यात येईल असे संकेत त्यांनी दिले। एकूणच पक्षाच्या स्थापनेमुळे केजरीवाल आणि त्यांच्या टीमचा राजकारणात अधिकृत प्रवेश होईल। या पक्षाचं नाव मात्र अद्याप जाहीर करण्यात येणार नाही। नोव्हेंबरच्या शेवटापर्यंत अखेरीस नोव्हेंबरच्या अखेरीस हे नाव जाहीर करण्यात येईल। मात्र आज हा नवा पक्ष कसा असेल, त्याची घटना कशी असेल, त्याचं स्वरूप कसं असेल याबद्दल अरविंद केजरीवाल माहिती देणार आहेत। आमचे प्रतिनिधी रश्मी पुराणिक यांनी काही वेळापूर्वी आमचे अरविंद केजरीवाल यांच्याशी केलेली ही बातचीत। अरविंद केजरीवाल आज राजकीय पक्ष स्थापन करते आपल्या बरोबर आहेत। अरविंद जी, आप आज राजकीय एक ऑप्शन देने वाले, राजकीय क्रांति करने वाले हैं, क्या एक आप जनता को एक अलग पर्याय देने वाले हैं? मैं जनता को पर्याय नहीं दे रहा, जनता इन पार्टियों को पर्याय देने वाली है। जनता परेशान हो चुकी है इन पार्टियों से, क्योंकि आज हमारे देश में भ्रष्टाचार की राजनीति है, अपराध की राजनीति है। तो जनता मिलकर इस पार्टी का गठन कर रही है और इन सारी पार्टियों को सत्ता से उखाड़ के फेंकेगी। आपको क्या लगता है, क्या वजह रही है? आपने पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आंदोलन शुरू किया था और आज यह सफर एक राजनीतिक पक्ष की तरफ आ चुका है, क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं जो राजकीय पक्ष है उनको? ये आंदोलन ही रहेगा। अभी तक आंदोलन में हमारे पास 2-3 हथियार थे, अनशन का हथियार था, घेराव का हथियार था, प्रदर्शन का हथियार था। अब हमारा ये राजनीति का हथियार भी जुड़ गया है, तो आंदोलन सशक्त होगा इससे। अन्ना ने कहा, आपने कहा था कि अगर अन्ना कहेंगे तो मैं राजनीतिक पक्ष नहीं बनाऊंगा, और अन्ना ने ये भी कहा था कि जो भी ऑनलाइन सर्वे थे उनको वो मानते नहीं है, पर आज आपने ये पहला कदम रख दिया है कि आप राजनीतिक पक्ष की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अन्ना ने तो कल कहा कि उनको कोई एतराज नहीं है। आप चुनाव लड़ेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चुनाव लड़ना या लड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है इस राजनीति को चैलेंज करना, इस राजनीति को उखाड़ के फेंकना, और केवल चुनाव उसका माध्यम नहीं है। आप देखेंगे कि कल से ही इनको चैलेंज मिलना चालू होगा इन पार्टियों को। एक आखिरी सवाल, दिल्ली विधानसभा चुनाव ये आपके लिए सबसे पहला एग्जाम रहेगी आपको, उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर है, क्या करेंगे? एक बार पार्टी बन जाए उसके बाद निर्णय होंगे। तर हे होते अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलेले आहे की नक्कीच एक राजकीय पर्याय जनतेकडनं आलेला आहे आणि ते जनतेला देऊ इच्छितात आहेत। झी 24 साठी व्हिडिओ जर्नलिस्ट रणजित झा, रश्मी पुराणिक, नवी दिल्ली। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।